हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे बी हैप्पी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज आप लोग मेरे बी हैप्पी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जितना हो सके उतना आप मेरे वीडियोस को शेयर करें। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, मैं बैंड्रा लिंकिंग रोड और हिल रोड गई थी तो वहाँ से मैं कुछ सामान लेकर आई अपने लिए। बहुत ही कम प्राइस में अच्छे अच्छे चप्पल और क्लोथ मिल गए तो मैं लेकर आई। आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो से पता चल गया होगा कि कितना मतलब मार्केट कितना अच्छा है। सो अब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, देख लीजिए कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपनी दीदी के लिए लिया है, मेरी दीदी के लिए है हॉट पैंट जिसे बोलते हैं, ओनली 200 में दिया। और मटेरियल देखिए कितना अच्छा है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद आया, मेरी दीदी को भी बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो तो बैंड्रा हिल रोड जा सकते हो, बहुत ही अच्छा है। एंड आप लोग, ये मैंने दीदी के लिए टॉप लिया, दीदी मेरी थोड़ी सी हेल्दी है उस अकॉर्डिंग मैंने ये टॉप लिया है उनके लिए, पीच कलर में है। सी मटेरियल देखिए कितना सॉफ्ट, कितना बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम वाव टाइप का है। ये मैंने ओनली पता है कितने में लिया, ओनली 100 रुपीज में लिया, ओनली 100 रुपीज में गाइस, इतना अच्छा है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, अगर कोई अगर जो मुंबई में रहता है वो तो बहुत अच्छे से ले सकता है। तो ये लिया, एंड ये जीन्स लिया है दीदी के लिए ही, ये जीन्स है ब्लैक कलर की, देखिए एंकर लेंथ वाली मैंने जीन्स लिया है दीदी के लिए। ये दिया 500 में दिया, इसका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा है। और एक और जीन्स लिया ब्लू में, देख लीजिए स्ट्रेचेबल है, दोनों जीन्स जो है स्ट्रेचेबल है और एंकल लेंथ है, बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया ये सब कपड़े गाइस। 500 में मैंने लिया था ये जीन्स। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। और ये टॉप देखिए, सीधा टॉप कितने प्यारे प्रिंट है, देख रहे हैं ना आप लोग कितने प्यारे प्रिंट। ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज की है, बिलीव नहीं हो रहा है ना तो हिल मार्केट जाइए। ये मैंने कल के वीडियो में भी दिखाया था, ये मुझे बहुत पसंद आया था गाइस, बहुत ही पसंद आया था ये, बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने ये भी ले लिया। ओनली ये 100 रुपीज बोल रहा था बट मैंने इसको बोला कि आप 50 रुपीज में दे दो, तो उसने दे, दो चार उसके पास से हमने टॉप लिया तो ये 50 रुपीज का है। अगर लेना है हिल रोड जाइए चाहे लिंकिंग रोड जाइए बैंड्रा के। एक ये टॉप दीदी के लिए लिया था, ये पीछे का डिजाइन है का। ये भी 100 रुपीज की है फ्रेंड्स। एंड ये भी दीदी के लिए ही लिया था, ये भी 100 रुपीज की है। अगर घर में पहनने के लिए थोड़ा बाहर बाहर जाने के लिए कैजुअल ड्रेस के लिए बहुत ही अच्छा है, अगर 100 रुपीज में मिल रहा है और कपड़े भी बहुत सॉफ्ट है तो आप लोग आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। और ये टॉप, ये टॉप देखिए व्हाइट है, ये बाजू में इस टाइप का काम आया है, कैमरा मेरा फोकस नहीं था, हाँ देखिए ये मैंने 200 में लिया है, देखिए बाजू कितने प्यारे इसके, ये बैक साइड का है, ये ओनली 200 की। और ये मैंने जो टॉप लिया है आप लोग देख सकते हो भाई,
इसमें क्या प्राइस दिया हुआ है, इसमें प्राइस नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने इसे 200 में बाई किया है। बहुत ही प्यारा लगा ये, दीदी पहनी थी आकर घर पे, मैंने दीदी को बोला कि पहन कर दिखाओ, दीदी पहनी थी, बहुत ही अच्छा लगा गाइस, ये मुझे बहुत ही पसंद आया। एकदम जो भी मैंने कपड़े लिए ना, इतने अच्छे मटेरियल है ना गाइस, बहुत कंफर्टेबल है, तो मैं ये भी लिया। एंड हो गया ये दीदी के लिए जो मैंने लिया था, एंड ये मैंने अपने छोटी सिस्टर के लिए लिया है। देखिए जींस स्ट्रेच वाला, ये भी हाई वेस्ट जींस है, ये पता है मैंने कितने का लिया, आप सुनकर हैरान रह जाओगे, हैरान। ओनली 250 में मैंने ये जींस लिया है। सोच रहे होंगे आप लोग कि इतने सस्ते, हाँ गाइस कल हम गए थे तो हमें 500 में दो दे रहा था, बट हम यही एक कलर लेकर आए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी और जींस है, मेरे सिस्टर के पास में बहुत सारे, तो इस कलर का नहीं था, तो मैंने बोला कि संजू ये ले लूं, तो उसके लिए मैंने ये ले दिया। और उसने उसको ये पहनना था, कुछ लुक करना था उसको ये टॉप, तो उसने 100 रुपीज में बोला कि मेरे को ये अच्छा पसंद है, तो ये उसने लिया। ये भी मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही अच्छा है, मौसम समर में भी पहन सकते हो इसे और विंटर में भी पहन सकते हो, आप दोनों में ही पहन सकते हो, बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट और क्या उस कॉटन का है, बहुत ही अच्छा है, तो आप ये सब पहन सकते हो गाइस। और उसने अभी ये टॉप लिया, देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं ये टॉप, ये सब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, पहनकर समझ में आएगा, ये बैक साइड का है, ये भी 100 रुपीज में ही दिया है गाइस, ये भी 100 रुपीज का है। और इसने ये लिया है रेड कलर में, कलर आपको थोड़ा सा पिंक सा लग रहा होगा, ये भी 100 रुपीज में ही उसने लिया है। एंड अब मैं अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं, ये 2-4 टॉप ले लिया है घर में पहनने के लिए। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, मैंने ये 100 रुपीज में लिया है गाइस, आप लोग देखकर बिलीव नहीं करोगे कि मैंने ये 100 रुपीज में लिया है, इतने प्यारे और कपड़े इसके इतने औसम है ना गाइस, क्या बताऊँ, बहुत ही औसम है। इस पर देखिए वर्क कितना अच्छा है, 100 रुपीज में आपको और क्या चाहिए बताइए, बहुत ही अच्छा है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। और ये भी जीन्स पे, ये हाफ स्लिप का शर्ट जो आते हैं वो है, मैंने ये भी लिया कॉटन का, प्योर कॉटन है गाइस, ये मैंने इसे भी 100 रुपीज में ही लिया है। मुझे ये सब इस पैटर्न का कपड़े पहनना बहुत पसंद है, मुझे ये इस पैटर्न का कपड़े बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये 100 रुपीज में लिया है गाइस। एंड एक मैंने ये लिया है, आप लोगों को ये भी, इसका ये भी प्योर कॉटन है, एकदम 100% कॉटन है इसमें, तो मैंने इनमें कोई कंफर्टेबल ड्रेस बहुत ही पसंद है गाइस, तो इसलिए मैंने ये लिया है 100 रुपीज में, बहुत ही अच्छा है गाइस, मुझे तो बहुत पसंद आया, तो ये ले लिया है। एंड ये लिया है मैंने, ये भी है 100 रुपीज में, देखिए ये फुल लेंथ है टॉप है, ये भी जींस पे पहनने के लिए, ये उसका नेक है और ये इसका बाजू है, आप लोग को बिलीव नहीं आ रहा होगा ना कि 100 रुपीज में इतने अच्छे अच्छे मिल जा रहे हैं। तो गाइस आप लोग जब भी मुंबई आए एक बार बांद्रा हिल रोड जरूर जाए, खासकर गर्ल्स या बॉयज भी है वो भी जाए अपने सिस्टर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये सब ड्रेस लेने के लिए, उन लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप सोच भी नहीं सकते हो कि मैं 50 रुपीज में इतने प्यारे में ड्रेस ले सकती हूँ। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक कुर्ता है कॉटन का पीच कलर में, यहाँ पे पिंक दिख रहा है लाइट की वजह से,
आई थिंक सो. आप ये देखिए 50 रुपीस. 50 रुपीस में और क्या चाहिए फ्रेंड्स. ये देखिए कितना ऑसम है. ये मैंने सोचा कि ले लेती हूँ घर में पहनने के लिए, थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी लाने जाऊँ या कुछ तो भी खरीदते हैं और दिन बाहर बाहर जाऊँ तो हल्का सा कॉटन का है, मैं ये डाल लूंगी. एंड ये एक मैंने फ्रॉक लिया घर में पहनने के लिए. ये कलर तो है पिच और पिंक मिल्क मिक्स है, बट इसमें पूरा पिंक ही दिख रहा है. पिच कलर तो दिख ही नहीं रहा है, कैसे दिखाऊं आप लोगों को. ये पिंक ही दिख रहा है कैमरे पे, बट ये है पिच कलर में ही है, बहुत ही अच्छा है. ये देखिए और ये बैक साइड का है इसका. ये मैं पहनूंगी तो ऐसे दिखूंगी. एंड ये सब मैंने क्लोथिंग का आप लोगों को तो दिखा दिया, और मैं स्लीपर का दिखाती हूँ. सो ये मैंने स्लीपर लिया है, आप लोग देख सकते हो. ये आप तो, मैंने ये 200 में लिया है ये स्लीपर. बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छा है गाइज, मुझे तो बहुत पसंद आया. और इसका देखिए इतना अच्छा, इतना प्यारा दिख रहा है गाइज, मुझे तो ये बहुत पसंद आया. 200 में इतने अच्छे, इतने इतने स्टैंडर्ड मिल रहे हैं स्लीपर के. आप इसे साड़ी पे वेयर कर सकते हो, जीन्स पे भी वेयर कर सकते हो, आप वेस्टर्न इंडियन सब साइज ड्रेस पे मतलब वेयर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है. सो अब मैंने ये स्लीपर लिया, ये मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैंने इसे झट से ही ले लिया. ये भी मैंने 200 में ही लिया, इतना कंफर्ट है ना. ये देखिए बहुत पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मुझे तो बहुत पसंद आया चप्पल. अगर आप लोग जाएं देखिए इस पे वर्क, देखिए वर्क कितना प्यारा हो रखा है, बहुत ही प्यारा, मज़ा आ रहा है टच कर, बहुत ही अच्छा है गाइस. आप पैरों में अगर ब्लैक चप्पल, अगर पैर अच्छे से आप पेडिक्योर करवा कर या नेल पेंट अच्छा अपने नेल पे डाले हो, पहनो ऑसम, खुलकर आएगा, मतलब आपका पैर निखर जाएगा, इतना प्यारा पैर आपका दिखने लगेगा. सो मैंने ये लिया. देन एक मैंने ऐसे हील में, थोड़ा हल्का हील में ले लिया, ये भी कैजुअली टाइप का है बट हल्का हील में है, लेकिन बहुत ही अच्छा है. देखिए आप इसे साड़ी वाड़ी पे पहन सकते हो, सलवार सूट पे भी पहन सकते हो, एथनिक वेयर पे आप पहन सकते हो. सी देखिए फ्लावर कितने प्यारे हैं. सो गाइज मैंने इतना है शॉपिंग किया, इयरिंग्स वगैरह भी वहाँ पे था, 100 रुपीज से स्टार्टिंग था, बट मैं इयरिंग्स उतना पहनना पसंद नहीं करती. मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे इयरिंग्स है कि रखा हुआ ही है, मैं पहनती नहीं हूँ. तो सोची कि वो सब इयरिंग्स अगर मैं अपने किसी किसी को दे दूंगी उसके बाद मैं नए इयरिंग्स लूंगी पहनने के लिए, बट अभी इयरिंग्स है तो अभी इयरिंग्स खरीद कर क्या फायदा. लेकिन आप लोगों को लेना होगा इयरिंग्स, वहां से जाकर बैंड्रा हिल रोड, लिंकिंग रोड दोनों जगह इयरिंग्स मिलते हैं, बहुत ही अच्छा है गाइज. अभी नेक्स्ट मैं और भी जाने वाली हूँ, अपनी और भी शॉपिंग करना है थोड़ा बहुत मुझे. सो मैं वो हो सकेगा तो वो वीडियो बनाकर डालूंगी, वरना नहीं डाल पाऊंगी. एक तो मैंने आप लोगों को आइडिया के लिए बता दिया कि अगर मुंबई में आप लोग रहते हो या मुंबई घूमने कभी आते हो तो बैंड्रा लिंकिंग रोड हिल रोड जरूर से जरूर जाए, वहां पे बहुत कम पैसे में बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के मील्स मिल जाते हैं, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा गाइज. सो गाइज अगर मुझे कुछ भी लेना भी होता है ना तो मैं बैंड्रा ही जाती हूँ लिंकिंग रोड, और बहुत ही अच्छा अच्छा है वहाँ पे. कभी भी मैं ये बैंड्रा लिंकिंग रोड, मतलब कि मेरी मम्मी यहाँ पे थी, 2 साल बाद मैं गई, 2 साल पहले गई थी, अब उसके 2 साल बाद फिर मैं कल गई थी. सो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर की, मुझे तो बहुत सा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये सब. सो अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार विजिट ज़रूर कर ले गाइज. एंड वहाँ पे बेल्ट का कलेक्शन इतने प्यारे प्यारे हैं ना गाइज, अगर आप लोगों को लेना है तो वहाँ पे बेल्ट का कलेक्शन है, बहुत ही अच्छा है, मेन रोड पर ही है, बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग एक बार वहाँ पर भी जा सकते हैं.
सो फ्रेंड्स, मैंने ये सब जितना शॉपिंग किया आप लोगों को तो दिखा दिया। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, और जितना हो सके उतना आप मेरे वीडियोस को शेयर करें। अब मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ ऐसे ही अपनी बेहतरीन वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।